नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद के निर्देशन में हिंदू जागृति मंच द्वारा आयोजित योग महोत्सव के चौथे दिन तेज बूंदाबांदी के बीच योग करने वाले सभी महिला और पुरुष तरबतर हो गए, लेकिन मैदान न छोड़कर प्रकृति द्वारा ली गई धैर्य की परीक्षा में पास हो गए। मिलजुलकर योग प्राणायाम आसन के छोटी बड़ी बीमारियों में कौन से योग कौन सा प्राणायाम करना श्रेष्ठ है, ऐसे टिप्स सीखे। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद के विशाल मैदान में हिंदू जागृति मंच के आह्वान पर योग करने के लिए अनेक पुरुष मात्र शक्ति एकत्रित हुए। वहीं तेज बूंदाबांदी हुई। प्रकृति द्वारा ली गई परीक्षा में सभी लोग शत प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। योगाचार्य सुखबीर सिंह ने बताया, किस बीमारी का निराकरण करने के लिए कौन सा योगासन प्राणायाम उपयुक्त है, किस आसन को करने से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती और कौन सा आसन कितनी देर करना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, इन सबका एक निश्चित निर्धारित विधान है। उन्होंने बैठकर, खड़े होकर, लेटकर खिलाए जाने वाले खेल भी खिलाए। योगासन प्राणायाम कराकर उनके लाभ विशेषताएं समझाई। योग महोत्सव का कार्यक्रम हिंदू जागृति मंच के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल, महिला जागृति मंच के जिला अध्यक्ष सरिता गुप्ता, अनंत कुमार अग्रवाल, अजय गुप्ता सर्राफ के साथ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रामपाल सिंह ने भारत माता एवं महर्षि पतंजलि के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करके किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक इमरान तुर्की ने कहा, योग से बीमारियां दूर तो होती हैं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस मौके पर महिपाल सिंह, विनोद कुमार, चंचल सिंह, राकेश कुमार, हरीश कुमार, रमेश कुमार, संजय कुमार गुप्ता, अजय गुप्ता सर्राफ आदि ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को त्योहार की तरह सजाने संवारने मनाने का आह्वान किया। उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र ने योगाचार्य सुखबीर और सिंह और भोले सिंह त्यागी का आभार व्यक्त करते हुए सभी आगंतुक योग प्रशिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अधिक संख्या में जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। योग महोत्सव कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदू जागृति मंच के जिला महामंत्री विकास कुमार वर्मा ने किया। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।